सुभान अल्लाह बोलते नहीं है और ये नसीब लोग हैं जो हमें नबी की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। ये दुरूद बहुत बहुत किस्मत है। आप ऐसा बनाते मैंने खड़ी से पाक से पहले भी सुनाई है सरकार की हदीस पाक का मफहूम है। मुस्तफा जाने रहमत हजरत अली से इरशाद फरमाते हैं, रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दिया करो। सुभान अल्लाह। सोने से पहले पहले जन्नत की कीमत अदा करो। हजरत अली सवालिया ने गांव से सरकार को देख रहे आका ने इरशाद फरमाया, अली रात को सोने से पहले अपने अपने घरों में भी अपने नबी पे दुरूद पढ़ा कीजिए। जब भी सोइए अपने नबी पे दुरूद पढ़ के सोइए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। जोर से बोलो। फरिश्ते जितवा हो जाएगा। दो मिनट का काम है। बहुत कीमती काम है। पैसे दे के भी आप जन्नत खरीदते हो। खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए आज अल्लाह के रसूल के घर में। अल्लाह सब के हिस्सों को कबूल कर ले। जोर से आमीन। हजरत अल्लामा बहरुद्दीन साहब सलाम अपने वालिद माजी अपने वालिद माजी और वालिदा माजिदा की सारे सवाब के लिए 11,000 रुपया दिया। अल्लाह इनके मां बाप की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात में बेशुमार बुलंदियां अता फरमाए। जिस जिस ने किया अल्लाह सबके हिस्सों को कबूल करे। सबके माँ बाप को जन्नत ही बनाए। जोर से आमीन। आमीन आमीन करने में क्या काटा है। खुश नसीब लोग हैं जो किसी न किसी तौर पे अपनी कुर्बानियां पेश करके जन्नत खरीदते हैं। अल्लाह की रहमतें खरीदते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं कोई है नहीं, मुस्तफा की बारगाह में रोजाना 10 लाख तबा दुरूद पढ़ लिया करो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ताजदार अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद सैयदी सरकार आला हजरत हदीस से बरे परेशान सुनाते हैं, वो तो निहायत अपने नबी के नाम पे 2 मिनट का वक्त निकालो। रोजाना अपने नबी को याद करो। मुस्तफा की बारगाह में दुरूदों की सौगात पेश करके सो। ये बुजुर्गों का तरीका है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो है इश्क वालों का मशवरा, जिसे पढ़ रहे हैं अल्लाह ने हर अमल का हुक्म दिया। जाए दिया क़याम सलात नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लेकिन जब मुस्तफा पे दुरूद की बारी आई अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया। इरशाद फरमाया अल्लाह भी अपने नबी पे दुरूद भेजता है। अल्लाह के फरिश्ते भी मुस्तफा पे दुरूद भेजते हैं।
डायरेक्शन नहीं दिया, पहले अपना अमल बताया, हम भी करते हैं, हमारे फरिश्ते भी करते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी बेहोश, जो है मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, मदारिस को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। चलो अपने आपका एक बार गांव दो भी मंदिर आ जाना जाती है, सुन लो उस बात में काम की पहुंचाता हूं। बड़े अफसोस की चीज यही है, जब सुनने का टाइम आता है मतलब भाग जाते हैं। अब जलसों का टाइम आना चाहिए, सोने का टाइम, सोने का टाइम लोग चल रही है सोने के लिए। हमको इतनी दूर से आपसे बुलाया, कुछ लोग बेचारे यहाँ रह गए, वो भी पता नहीं किसी मजबूरी की वजह से या खुशी के साथ साथ। चलो जितने लोग हैं लोग सुन ले, बहुत बहुत है, बेहतर है कि जल्द से टाइम चेंज कर दिया। मगरिब बाद से आज तक की 11 में खत्म कर दिया। जब लोग भाग जाते हैं तो सुनने से क्या फायदा है, सुनाने से क्या आता है। लेकिन कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचा के जाएंगे, जो रहेंगे इंशाल्लाह खाली हाथ ही जाएंगे। ये मुस्तफा की